बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीस बी ऑलवेज विद यू। वेलकम टू ग्लोबल लाइफ पाथ। आई एम इरशाद महमूद फ्रॉम टोरंटो, कनाडा। गला खराब है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करनी है। आज का टॉपिक है आलमी कर्ज, ग्लोबल डेप्थ ऑफ ट्रैप। ये एक जाल है आलमी कर्ज। और ये खबर 16 दिसंबर को छपी है। ये आई है एक्चुअली चैनल 4 न्यूज पे, ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। और ये इकोनॉमिस्ट हैं, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क में प्रोफेसर। इनका कहना है कि ये एक ट्रैप है ग्लोबल इकोनॉमिक। ये जो इकोनॉमिक आजकल क्रैश हो रहा है, मैं तकरीबन 2002 के एंड पे या 2003 के शुरू में मैंने मेरा तो बोलना शुरू किया था ग्लोबल इकोनॉमिक पे। मशीन लॉन्च कर रहे हैं हर जगह, मशीन रोबोट्स, इंसान बेरोजगार हो रहे हैं, स्टेबिलिटी सारी खत्म हो गई है दुनिया में। इनका कहना है कि कोई ऐसा, जैसे आर्टिफिशियल इंजन आया, किसी चीजों को बेरोजगार वो कर दिया, चेंज कर दिया, नया टेक्नोलॉजी आई, इस तरह कोई ऐसा सिस्टम आएगा जो चेंज कर देगा, ऑटोमेटिक कुछ हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम, उनके पास टेक्नोलॉजी थी जो हजरत बिल्किस का, मलका बिल्किस का तख्त उठा करके एक शख्स ले आया बिलिंग ऑफ आइज में। वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वो आज नहीं है, नजर नहीं आ रही। उसके बाद स्टोनेजेस में चले गए इंसान। स्टोनेजेस का मतलब पत्थरों के जमाने में, फिर वहां से शुरू हुए, फिर हर एक के पास जॉब हो गई है। सॉल्यूशन सिर्फ कुरान में। आमतौर पे हिस्ट्री जो है विक्टर्स में लिखते हैं, लेकिन पैरेलल में एक हिस्ट्री चल रही होती है। और जो दूरंदेश हैं वो उसे समझ जाते हैं, देख लेते हैं। मैं उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग माइंड, वरना इंसानियत के दुश्मन लगे हुए हैं। मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 मिलियन। अब 8 बिलियन में से, 8.5 बिलियन में से 500 मिलियन, और अगर ये 10 बिलियन पॉपुलेशन चली जाती फिर भी वही 500 मिलियन, यानी 95% लोग मरते हैं, मरे सड़ते हैं। बार बार खबरों में हमें सुनने में आजकल आ रहा है, जरा तेजी से आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है और रिसेशन आ रहा है, इकोनॉमिक क्रैप्स हो रहे हैं जगह जगह। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर 45 दिन के बाद ही रिजाइन देकर चले गए, इनके समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सॉल्यूशन तो कुरान में है ना। अल्लाह ताला ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बनाया हुआ है जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। उसको आप फिक्स बजट से नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके लिए भी वेरिएबल बजट होना चाहिए, इंक्रीज हो सके, एक्सपेंडिंग बजट। लेकिन वो नोट पैसे कहाँ से छापेंगे? अल्लाह के खजाने लामहदूद है। सिस्टम आइडिया दे दिया कुरान में, हमने उसे लेके चलना है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, प्रोग्रामिंग है, इसमें हम एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड वर्चुअल गोल्ड, एक करेंसी लेकर हम आगे फेस कर सकते हैं। वरना देख लें हालात दुनिया भर के, जगह जगह प्रोटेस्ट वक्त से हो रहे, वक्तन फवक्तन। और जो आगे लीड करता है बोलता है उसी को मार दो कि ये दुश्मन है, ये गद्दार है, हालांकि खुद उनको समझ में नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह बार बार हो रहे हैं। घोस्ट टाउन, घोस्ट सिटीज यूएसए में भी हैं, चाइना में भी। जब ये दो बड़े कंट्रीज में है तो बाकी दुनिया का क्या हाल होगा? नो कस्टमर नो बिजनेस, मोर कस्टमर मोर बिजनेस, हेल्दी कस्टमर हेल्दी बिजनेस, ग्रोथ इन कस्टमर ग्रोथ इन बिजनेस। लेकिन कस्टमर कौन है? लोग हैं, पीपुल हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हायरिंग रोबोट्स, फायरिंग पीपुल, रोबोट्स एंड मशीन डोंट इट एप्पल एंड ऑरेंज, सो एप्पल एंड ऑरेंज फॉर्म दैट बिजनेसेस विल बी बैंक अप। अ सिंगल मशीन मे रिप्लेस 1000 ह्यूमन, बट नॉट अ सिंगल ह्यूमन कैन एवर रिप्लेस सिंगल मशीन। एक इंसान एक मशीन को रिप्लेस नहीं कर सकता, जबकि एक मशीन हजारों इंसान को बेरोजगार कर देती।
अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ सिस्टम, जिसने एक जान बचाई उसने सारी दुनिया बचाई। तरीके हैं, लोग बेबस हैं, हर जगह ये बेरोजगारी फैलती जा रही है पूरी दुनिया में। आज वक्त आ गया है बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी रिलीजन रेस के, बगैर किसी रिस्म के मिले इस गुड कॉज के लिए और पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सही करें। पूरी दुनिया का अकेला नहीं होगा, कोई शख्स अकेला फिक्स नहीं कर सकता, कोई मुल्क अकेला सही नहीं कर सकता है, ये मिलके होगा और गारंटीड है। अल्लाह ताला ने कुरान में डायरेक्शन दिया हुआ है। थ्री फेजेस में हम फिक्स कर सकते हैं, हम अनलिमिटेड वर्चुअल गोल्ड यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में टेक्निक्स हैं जिसमें हम एज ए कॉन्स्टेंट एक बहुत बड़ी फिगर 38 डिजिट हो या उससे भी बड़ा हो हम ले, जो मल्टी ट्रिलियन क्या उसका मल्टी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का या उसके गोल्ड का, गोल्ड हम क्योंकि हम करेंसी गोल्ड में लाएंगे तो वहां से हम फिक्स कर सकते। औरतें हिम्मत ना हारो, रंज मत करो, गालिब रहो तुम ही रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन। अल्लाह ताला ने बता दिया है सच्चे मोमिन तुम गालिब रहोगे आओगे, लेकिन अफसोस हमारे मस्जिदों में क्या हो रहा है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं कि हमारा बेस जो है मस्जिद वहां से सही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, लेकिन अफसोस कह दो बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का। सिर्फ नमाज नहीं, जीना मरना कुर्बानी, अभी जिएगा कैसे, लोग पेट में रोटी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। इंसाफ करना पड़ेगा, इंसाफ से आगे चलना पड़ेगा, इंसाफ करो वरना याद रखो हजरत साले अलैहि सलाम की उठनी ये कातिल सिर्फ 4 लोग थे और पूरी कौम गर्क हो गई। खामोशी भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, जो एक आम इलाके के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर है, वही तो जालिम है, वही तो फासिक है। गुरबत फैल रही है, हमें अब वक्त आ गया, अब हम बैठ नहीं सकते, हमें उठना पड़ेगा, मिलके इन लोगों को दावत देनी है, बतानी है कि जिस खा वो किसी भी रिलीजन किसी भी फिरके से हो, हाँ अब हम ग्लोबल इकोनॉमी फिक्स करते हैं मिलकर, रिश्ते तोड़े नहीं जोड़ने की फिक्र करें, जो रूठा है उसको मनाए। सिक्स अगर मैं देखूंगा आप मुझे लगेगा, सिक्स आप देखेंगे आपके तरफ से नहीं लगेगा, मुख्तलिफ जाविया से मुख्तलिफ नजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूं आप गलत हैं, आप सही हैं मैं गलत हूं, नहीं हम दोनों से अपने अपने पॉइंट पे सही हो सकते हैं, लेकिन अब हम इस इकोनॉमी को कैसे फिक्स करना है, चीजें आगे लेकर फैमिली कैसे लेके चलना है, घर जन्नत कैसे बनाना है, अगर घर ही जन्नत नहीं होगा, घर में ही हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है तो हमारा घर जहन्नुम ही बनेगा ना। लड़ाई में दिन रात, सुबह उठे लड़ाई शुरू, रात में रोते रोते धोते सो गए, फिर सुबह उठे वही सिलसिला चलेगा। लेकिन जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी, जब तक हम पूरी दुनिया का नहीं सोचेंगे तो खुशहाली नहीं आएगी। तो मिलके करना है, हम सबों को आगे आना है वरना तबाही है। हम इस दुनिया में कुछ लेकर आते नहीं है ना कुछ लेके जाना है यार, सिवाय अमाल के। अमाल अच्छे होंगे तो जन्नत वरना जहन्नम, लेकिन वो अमाल कुरान के मुताबिक होने चाहिए ना। घर भी सही हो, बजाओ ताली हो गई, शादी नहीं होना चाहिए, शादी का क्या मकसद है। हर चीजें सही करनी हमने, जो हमने कुरान से हट के बताया, घर घर तबाह हो गया है कुरान के खिलाफ जाने की वजह से, पता ही नहीं शादी किस तरह करनी है और पता ही नहीं तलाक है किस तरह देनी है और हराम काम कर रहे होते, घर का घर तबाह हो रहा होता। दूसरों का दर्द हमें समझना चाहिए। सबसे मशहूर जो आजकल सिलसिला चल रहा है हर जगह, सास बहू, शोहर बीवी के दरमियान लड़ाई, सास बहू के दरमियान, घर घर जिस
जहन्नुम बना हुआ है, तो फिर आगे हम हमारी दिमाग सोच कहाँ काम करेगी? पॉजिटिव तो आएगी नहीं, पॉजिटिव तो हम मिलेंगे नहीं, हम इसी में उलझे रहेंगे। अगर जिंदगी के साथ ही लाचार हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं जाता, संभाला जाए। बचपन से ही ट्रेनिंग देनी होगी, जहां वो बच्चे बड़े हो गए फिर वहां से निकल गए, वो नहीं सुनते हैं, उनकी अपनी एक सर्कल हो जाती है और वो फिर भूल जाए। नूह अलैहि सलाम का बेटा देख ली, एक टाइम है, उसके बाद आप नहीं ट्रेनिंग दे सकते, नहीं सिखा सकते, नहीं सुनेंगे वो। वालदेन बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बाप बाप की कुर्बानी नजर नहीं आती। हकीकत नजर ये आता है कि माँ गोद में पिला रही है, बच्चे को खिला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हकीकत उसको उठाया हुआ कौन है? मर्द है, शौहर, वो बाप, वो नजर नहीं आता। आज जो वक्त आ गया है, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है, एक आदमी के घर से घर नहीं चलता, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें सीखने की, सिखाने की, वर्किंग टेबल कैसा होना चाहिए, ऐसे इस पे आप क्या काम करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करें, तो फिर ये नजर आता है, फिर आपके काम करने की भी जगह है। इसी तरह हर जगह है रिवोल्यूशन, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अब लाने की जरूरत है, सबों को मिलने की जरूरत है, गुड कॉज के लिए, हर एक का भला। नो कस्टमर नो बिजनेस, सारे बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएंगे, लोग नहीं रहेंगे तो। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त नहीं है जब तक उसको खुद ख्याल ना। अब वक्त आ गया है, हम सब ख्याल करें एक दूसरे का, उठें मिलें, वरना आप देख लें वाकई करबला। लोग उठते हैं तो तब्दीली आती है, लोग नहीं उठते हैं तो फिर अल्लाह का अजाब आता है, फिर देख लें आप सुनामी, जलजले, तूफान या जालिम हुक्मरान, नाअहल हुक्मरान, जिनको पता ही नहीं कैसे ग्लोबल चलाना सीखना है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की हाल देखिए, पिछले 8-9 महीने में बेड़ा गर्क करके रख दिया, और गद्दार कौन है? खुद गद्दार हैं, जनरल बाजवा साहब, रिटायर्ड जनरल, तो रिटायर्ड हो गया, लेकिन दूसरों को गद्दार बनाने के चक्कर में। हमें देखना पड़ेगा, हमें सिस्टम सही करना पड़ेगा, पाकिस्तान के हालात सही करने पड़ेंगे, और कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई मुकद्दस गाय नहीं। अब तो हमें पता है, चल गया कि बुनियादी हमारी फौज के सरबराह है एस्टेब्लिशमेंट, यहां से जो पक रहा होता है, जो इनको ब्रीडिंग दी जाती है, वही गड़बड़ है, फिर वो सबको कंट्रोल भी करते हैं, हमारे जजेस का सिस्टम भी, हमारे मीडिया का, वो भी सब बिकता है, और ये ऊपर टॉप लेवल के जनरल्स है, अपने अपने असासे बना रहे होते, घर बैरून मुल्क भाग जाते हैं फरार होने में, ये देख लें और फरार हो गया। नो जस्टिस नो पीस, अब हम गड़बड़ कहां से हैं? ये एक कोई 4-5 साल पहले बिलाल कुतुब साहब ने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि डीजी खान डेरा गाजी खान की एक मस्जिद में इमामत करने वाला, जो कि जब पाकिस्तानी इन्होंने जब मिला इंकशाफ किया तो पता चला 18 साल तक इन्होंने वहां जॉब किया है इमामत का, और वापस इसराइल चले। ब्रिटिश दौर में भी ये होता रहा है, थोक के हिसाब से फॉल्स उलमा, जाली उलमा तैयार किए गए, उलमा सू तैयार किए गए और फ्लडेड कर दिए, पूरे मुस्लिम ममालिक में भेज दिया। इसी तरह माजी में रोमन एम्पायर ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, फातमी खलीफा बैठाई, नाम हजरत फातमा का, नाम बड़ा जुनजुन कर, और काम, और लिखवाते थे कहां से? हदीस से, ये एंशियंट पर्शियन एम्पायर के थे, बुखार बुखारी बुखारा से, बुखारी तिरमीजी मसनद इब्ने माजा,
सही मुस्लिम, दाऊद, रसाई, सारा कुछ यहां से। और ये बैठे थे इस एरिया में, जिसमें मक्का मदीना, इजिप्ट, और ये वेस्ट नॉर्थ ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज के, और यहाँ से प्रमोट कर रहे थे अलग यूनिवर्सिटी से, महात्मा तो जोरा थे अलग यूनिवर्सिटी, वहां से प्रमोट क्या कर रहे थे, सुनी सुनी बात है। ये 909 से 1171, 262 ईयर्स में हमारा बिरागर कर दिया। इनका लिंक था रोमन एम्पायर के क्रूसेडर्स से। हम जो है किसको कदर दे रहे हैं, हम मुकदस गाय फौज को समझ रहे हैं, और साइंटिस्ट इनकी हम कदर ही नहीं कर रहे। अब्दुल कदीर खान के साथ क्या आखिरी दिनों में हुआ है, हमारे जो फॉर स्टेप्स हैं, जो जहां से निकलती हैं, जहां ये ब्रीडिंग होती है, उनके पास ग्लोबल नॉलेज नहीं है, उनके पास ग्लोबल इकोनॉमी का कोई नॉलेज नहीं, उनके पास दुखी इंसानियत का कोई नॉलेज नहीं, उनके पास कुरान का कोई नॉलेज नहीं। जब भी ये ब्रीडिंग ग्राउंड ही गड़बड़ हो रहा था, और ये आम सिविलियन को कहते हैं ब्लेडिस रिवीलियन, जस से मांगो तो तौहीन ज़लालत, मौलवी से मांगो तो काफिर, जनरल से मांगो तो गद्दार, हिसाब नहीं मांगो। और ये खाओ, ये सब जो मिलके खाते हैं तो खाओ कबीला कहलाते हैं, ये सब खाओ कबीला के लोग हैं, खाओ पियो ऐश करो लूटो, और फिर जो गड़बड़ होता है, मूल टुकड़े होते हैं, उसमें कितने बेगुनाह होते हैं, सिर्फ बांग्लादेश जब बिगड़ा तो कोई 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख उर्दू बोलने वाले हैं, जिसमें बेशतर बिहारी, ये शहीद हुए जनरल्स। इनके आप देख लें बैजेस वगैरह, ऐसा लगता है पिछौरे ट्रक के पीछे झुंझुने टुंडने लगे होते, चाइना के हों या किसी और कंट्री के, कुछ ना कुछ है इनके पास। जिन ये यूएस का पब्लिक सब जानती। 1974 में फिल्म में एक गाना था, बड़ा मशहूर हुआ था, और अभी 21वीं सदी है, अपनी मीडिया इतना फास्ट है, सब कुछ जानती है, बहुत कुछ जानती, आप छुपा नहीं सकते। तुर्की ने बड़ा अच्छा काम किया कि ड्रामे अतुल गाजी और इस तरह की सीरीजें कई बनाई हैं, कसम सुल्तान, सुल्तान हमीद, और ये मशहूर काफी पॉइंट इसमें दिखाए हैं। आजकल कुछ हो रहे हैं जो वो इसमें नजर भी आता है, कुछ फेरवा का हाल देख रहे हैं, हारून का हाल देख रहे हैं, करबला क्यों पेश आया, तो गौर करें, जालिम को मना, चंगेज खान क्यों आया, हलाकू खान जिसने 10 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया, क्या हम इस्लाम से हट गए, वरना ये हमें शिकस्त नहीं दे सकते। हमें अरे विषय था दे दुखी इंसानियत की खिदमत। हिटलर भी चला गया, लोग उठेंगे तो जब जाएंगे, लोग मिलेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आएगा, ईरानी रिवॉल्यूशन भी आएगा, तुर्की में ये वैदान ने को भी लेकर आया, अब आप टैंक के आगे के लेट गई, उस वक्त तक लेटी रही जब तक कि इनको वापस नहीं लाए गए, भागे नहीं हो। ये नहीं कि इमरान खान कहेंगे तो वापस जाएंगे, इमरान खान कहेंगे तो आएंगे, इंतजार में बैठे रहेंगे, फिर देख ले मुल्क का हाल दिन ब दिन, आए दिन रोज रोज क्या हो रहा है, फिर अल्लाह के अजाब के लिए तैयार है। अल्लाह ने बता दिया, कुरान में डायरेक्शन दे दिया, जब हम सही कर सकते हैं, लेकिन काश हम समझने वाले, सोचने वाले, मिलके काम करने वाले लोग मिलेंगे तो इनकी पार्टी ओवर हो जाएगी। डायरेक्शन है, हम पाकिस्तान से शुरू कर सकते हैं, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान ग्रेटर पाकिस्तान, जिसमें वर्चुअल गोल्ड करेंसी होगी और लैंग्वेज कुरानिक अरबिक होगा, जब एक मुल्क एक जुबान और ग्लोबल करेंसी, फिर हम ग्लोबल स्टेट्स ऑफ पीस के सोच सकते हैं।
कि हम कैसे पूरी दुनिया की में अमन ला सकते हैं, सब मिलके किसी को दोबारा से मुसलमान नहीं बनाना, ये काम अल्लाह का है। हमारा काम पैगाम पहुंचाना है। सबसे पहले इकोनॉमिक को फिक्स करें, पूरी दुनिया से परेशान है। अल्लाह ताला ने कुरान में डायरेक्शन दिए हुए हैं, कुरान हिदायत की किताब है। मुकम्मल इस्लाम ना तो सऊदी अरब में, ना ही तुर्की में, ना ही मिस्र में, ना ही पाकिस्तान में। मुकम्मल इस्लाम सिर्फ और सिर्फ कुरान। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, सुनी सुनाई बातें से परहेज करें। अल्लाह कुरान जो है हिदायत की किताब है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बनी नौ इंसान के लिए। कुरान में ना ही एक लफ्ज कम है, ना ही एक जायद और गैर जरूरी। ये अल्लाह का कलाम है, मुसलम की सही हदीस, मुस्तनद हदीस, जो मुसलम के मुबारक सम तक पहुंची, और मुसलम के सीरत नबी जिसपे मुसलम ने 100% फॉलो किया। अल्लाह और उसके के और हुक्मानों की बात मारो, लेकिन कहीं पे खिलाफ हो, कोई चीज आपको लगे कि ये शायद कुरान से मुताबिक नहीं लग रही, उसको नहीं मानना, वापिस अल्लाह रसूल यानी कि कुरान में, कुरान से ही करें। सुनी सुनाया नहीं, बुखारी मुस्लिम मसलम ये बात की लिखी हुई है 250-300 साल के बाद। इसमें बेशुमार एरर्स हैं। आज मुसलमानों का हाल देखें, उसी को फॉलो करके थे हुए, जब तक कुरान को फॉलो कर रहे थे। मौसम के जमाने में कुरान, खुलफा राशिदीन के जमाने में कुरान, जब तक एक 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 भी सहाबा जिंदा रहे तब तक कुरान, ये 250-300 साल के बाद। तो जब तक ये कुरान थे, आगे बढ़ रहे थे, बढ़ते क्यों ही आगे आया, आहिस्ता 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 वहां पर रुकावट आया, फिर डाउनफॉल आ गया। तो आज मुसलमानों को देख लें क्या हाल है दुनिया में। जरूर ऐसे लोगों के पास चलो जो तुमसे मुआवजा नहीं मांगते और सही रास्ते पे चल रहे, कुरान के मुताबिक कुरान को फॉलो कर रहे हैं, कुरान से वेरीफाई करें, और जहन में रहे कि वो इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। उन बातों को लें जो कुरान के मुताबिक है, सब 100%, कोई शख्स 100% परफेक्ट नहीं है। इन्नहू लकौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान बुजुर्ग रसूल का कौल है। हमें वापस आना है, इंसाफ करना है। माजी के मुसलमान स्कॉलर जो होते थे वो टेक्नोलॉजी साइंस बड़े बड़े करते थे, और आज आज के मुस्लिम स्कॉलर क्या कर रहे हैं, खीरे काटने का शरीर तरीका बता रहे हैं। तो फर्क तो साफ जाहिर है, माजी में इस्लाम फैल रहा था, आप देख लें, मुसलमान नाम के मुसलमान तो है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ऐसे मुसलमान है आजकल के जैसे गधों पे किताबें लादी हुई, कुरान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, कुरान को समझने की कोशिश कर रहे, वरना आपकी मिसाल गधे की मिसाल। दावा तबलीग हर मुसलमान पे फर्ज है, स्कॉलर्स पे फुल टाइम और बाकी लोगों पे पार्ट टाइम। आर्टिकल्स, अच्छे आर्टिकल्स जो कुरान के मुताबिक है उनको आप फॉलो करें। देखें मैंने कोई कमोबेश हजारों के करीब आर्टिकल मैंने लिखे हुए मेरे वेबसाइट। हमारी सोच विजन 21st सेंचुरी एंड बियॉन्ड होनी चाहिए। घर भी सही करें वरना मुनाफिक लगे हुए हैं बिगाड़ने में, और हमें खरीदने में भी। टॉप जनरल जो है पॉइंट कहाँ से होते हैं, पेंटागॉन से होते हैं। कभी यह हदीस में बात हुई है मेरी, अल्लाह के बयान करता है इस बयान के बाद और किस पे एक्शन करेंगे, सिर्फ जुबानी ही नहीं, प्रैक्टिकल है क्या, उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, मानी क्या है। बड़े मुनाफा की वाहि सजा है सूरह तौबा, का वो मुनाफिक वर्दी में हो, काले कोटे में, मजहबी लिबादे में हो, या लिफाफे सहाबी। सुल्तान साहब अलाउद्दीन अयूबी उठे, उन्होंने फिर इन्हें मार भगाया। सूरह जुम्मे में अल्लाह ताला ने कहा है जुम्मे जुम्मे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ो, जिक्र अल्लाह का कहा है। तो हमारी कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ पे
सही मानों में, सही मानों में जिक्रुल्ला, अल्लाह के आयत और उसके रोशनी में आज के हालात बयान किया जा रहा है, चाहे जो कोई आपको इक्का दुक्का मजीद हो, वरना वास्ट मेजोरिटी उसमें नहीं हो रहा है, ये भी तो मुसलमानों का ही हाल है। लेकिन उसको सही कौन कर सकता है? इमाम जो आते हैं वो उन्होंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है। आप उनसे कहें, हम अपने इमाम से हमें जिक्रुल्ला बयान करो, कुरान की रोशनी में आज क्या है, तुम अगर नहीं करते उनको हटा के किसी और को लाए, अपनी मर्जी में कर सकते हैं, डरे नहीं, डरे सिर्फ अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का खौफ होगा फिर आगे काम सही होगा। जब चूटी से कीड़े मकोड़े से इन जैसे इंसानों से आप डरेंगे, शैतानों से डरेंगे, फिर नहीं, फिर आपने उनको खुदा बना लिया है। नुक्ते के फेर से होता है खुदा, जब हमने कोई नुक्ते का फर्क नहीं रखना है कुरान से, अब वो उसके लिए जरूरी है कुरान पे है। फिरका परस्ती शिरक है, इस्लाम से खारिज है, जो फिरकों में बढ़ गया उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, फिरकों से निकले हैं। बातें बहुत हैं, क्या क्या बताएं, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो गए। विजन हमारा एक केस में सजी और बियॉन्ड होना चाहिए, जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जो कि दुनिया में दुआएं दे गालियां नहीं। अगर कहीं मल्टी फेथ बहुत सारे मजहब के लोग या फैक्ट्री लोग रहे, वहाँ मस्जिद मंदिर चर्च गुरुद्वारा बना लें, बीच में कम्युनिटी हॉल है जहाँ आप वीकली ईयरली मतलब जैसे नमाज होती है, जुमे की नमाज हमारी होती है या ईद बकरीद की होती है या रमजान में होती है, उसमें यह हॉल बुक कर और मस्जिद से मिला हुआ है। इसी तरह जो क्रिश्चियन का है चर्च, वो उनका अपना उस टाइम पे जो उनके खास दिन होते हैं, जैसे ईस्टर है या क्या कहते हैं उनका 25 दिसंबर है, जो भी इनके त्यौहार हैं, जूस के त्यौहार हैं, हिंदू के त्यौहार हैं, इसमें अरेंज करके इसमें, और यहाँ पे टाइम टू टाइम मल्टी फेथ डायलॉग, फ्रेंडली डायलॉग, ग्लोबल स्टेट्स ऑफ पीस की तरह सोच रहे हैं। हमें कुरान से ही हिदायत लेनी, सिर्फ कुरान से ही हमें मिली, वरना बेड़ा गर्क हो चुका है। अब पाकिस्तान पता नहीं जो हालात है, लग रहा है कल रहेगा या नहीं रहेगा, या सिर्फ बाय नेम रहेगा और सब कुछ बिक चुका होगा असासे भी। दिल रोता है पाकिस्तान के बारे में सोचते, हमें शिर्क से बाहर निकलना है, शिर्क से बाहर नहीं निकलेंगे तो तरह तरह के शिर्क हो रहे हैं। जिस तरह अल्लाह के साथ किसी और को शामिल करना शिर्क है, उसी तरह अल्लाह की किताब कुरान के साथ किसी और को शामिल करना ये भी शिर्क है। उसका हाल देख रहे हैं, चेरी पिकिंग, चेरी पिकिंग नहीं करनी, जहां अमन के लिए है, लोग मिल रहे हैं, किसी मजहब के भी हो मिलके काम करें, वरना उल्टा कर लो पुल्टा कर लो, लाख सजी करवा लो, लाख से करवा लो, किस्मत नहीं मिलनी है तो वापस ना पलटो पड़ा, अल्लाह किसी काम कर रहा तो नहीं मिलता जब तक उसको खुद ख्याल नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान समझ कर पढ़ने, उस पर अमल करने, उसका प्यारा पैगाम औरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन।